आगे से मकान, ये देखिए। हेलो बापो, बाप रे बैंक। नीचे को जंगल है और रात को ना यहाँ पर बहुत बड़े बड़े हाथी आ जाते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है न्यू व्लॉग में। तो आज हम हैं हल्दूचौड़ में ननद के यहाँ। तो ये है मेरी ननद का घर और अभी हम बैठे हैं दीदी के घर के आगे से, और ये दीदी की जेठानी के घर के आगे से, तो दोनों साथ में हैं, दीदी का घर और जेठानी का घर। तो हम बैठे हैं और यहाँ पर मेरी जेठानी जी बैठे हुए हैं। हम दोनों आए थे कल और यहाँ आप देख सकते हैं, और वो मेरे जेठ जी भी यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो आप पीछे से देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू है और कितने मस्त लोकेशन में हम लोग बैठे हैं, यहाँ पर चाय पानी का आनंद ले रहे हैं। और अभी मॉर्निंग का 6:30 हो रहा होगा ना, 6:30-7 का टाइम हो रहा है और हम ले रहे हैं यहाँ पर चाय का आनंद सुबह सुबह उठ के, और उठ के सीधे यहीं पर ही बैठे हैं हम अभी। और बड़ा अच्छा सा लग रहा है यहाँ पर, बहुत मज़ा आ रहा है बैठ के। गांव का सीन आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा लग रहा है। और ये सामने गाय देखो घास खा रही है, कितनी हरी हरी घास। और वो दीदी की जेठानी की गाय है, सामने दीदी की भैंस है ननद की हमारी, और दीदी वहाँ गोठ में गोबर निकाल रहे हैं। यहाँ पर हरी सब्जी रखी है धोने के लिए, अभी इसको बनाएंगे हमारे लिए हरी सब्जी चौलाई की। और ये गाय घास खा रही है, दीदी वहाँ गोबर साफ कर रहे हैं दीदी की जेठानी। और भैंस, ताई क्या हुआ, तू क्यों गुस्सा कर रही है? मैं नहीं आ रही उधर। ओहो, नहीं आ रही। और इधर देखो चरी बो रखी है खेतों में, क्या मस्त सीन है सुबह सुबह का। और फूल देखे यहाँ पर कितने अच्छे फूल हो रहे हैं, मस्त फूल हो रहे हैं देखो। और ये है अमरूद का पेड़, और वहाँ पर नींबू इतने सारे लगे हुए हैं। नींबू का पेड़ मैंने दिया था दीदी को, जो पेड़ मेरे घर में है नींबू का वही वाला, और यहाँ बहुत ज़्यादा इसमें नींबू लगे हुए हैं। और ये देखो चारों तरफ का सीन, हरियाली हरियाली हरियाली, चारों तरफ आप हरियाली देख सकते हैं, कटहल के पेड़। और गांव वो देखो उधर साइड को है जंगल, और यहाँ खेत, ये खेतों के बीच बीच में है मकान, और उधर साइड को भी रोड है, तो वहाँ रोड के किनारे किनारे से मकान है, वो पूरे किनारे किनारे। उधर गांव का नाम पता नहीं क्या है, और वो देखो, और नीचे को जंगल है। और रात को ना यहाँ पर बहुत बड़े बड़े हाथी आ जाते हैं, और गायों का झुंड आ जाता है रात रात को, मतलब ऐसे करके। बड़ा अच्छा लगता है हमको यहाँ आके, बहुत मज़ा आता है। और मेरे जेठ जी घूमने में लगे हुए हैं, और एक मकान वहाँ पर है, वहाँ भी गाय भैंस रखे हुए हैं। और यहाँ देखो सुंदर से फूल, सदाबहार के फूल हो रखे हैं। और ये हमारे पन्नु भांजे हर के फूल देखो कितने अच्छे हो रहे हैं। वाह, लौकी भी लगने लग गई यहाँ देखो। वहाँ पर कटहल हो रखे हैं पेड़ में, नींबू हो रखे हैं, लौकी लगने लग गई है। एक भैंस वहाँ है मेरे को देख रही टेढ़ी आंखों से, देखो तो। नहीं आ रही हूँ मैं यहाँ, हाँ नहीं आ रही हूँ। और ये हमारी दीदी जी का मकान, मतलब ये बैक साइड में है, पीछे की तरफ को, अभी हम हैं पीछे की तरफ को, और यहाँ के आए भैंस रहते हैं इधर साइड को, और उनका फ्रंट मकान है उधर से। चलिए दिखाते हैं आपको उधर से, है ना। और ये बगल वाला मकान, हेलो हेलो बापो, बाप रे भयंकर कर रही है, कर रही थी जोर से। और ये मेरी स्कूटी है, और यहाँ पर देखो फूल क्या मस्त हो रखे। ओ वाओ, कितना बढ़िया लग रहा है। ककड़ी की बेल, ककड़ी भी लगने वाली है कुछ टाइम में। तो ये है दीदी का आगे से मकान, ये देखिए। और इतना बड़ा आम का पेड़ है यहाँ पर, और इधर से भी पूरे खेत खलियान, ये देखिए पूरे चारों तरफ। और सूर्य देवता जी सामने से, सुबह सुबह का मस्त मौसम, और इधर भी फूल ही फूल चारों तरफ, फूल ही फूल, किस्म किस्म के फूल हो रखे हैं। और यहाँ पर आंवले का पेड़ है, और एक छोटी सी भैंस वहाँ पर बांध रखी है चरने के लिए। एक नया मकान यहाँ पर भी बनने लग गया, और ये रास्ता जिस रास्ते से हम आते हैं जाते हैं, और ये अगल बगल का
खूबसूरत सा व्यू सुबह सुबह का। तो ये है हमारी ननद का घर और आज हम यहाँ पर आए हुए हैं। हम कल रात आ गए थे और वो बगल में दीदी की देवरानी का घर है। या तो दिन में जाएंगे या शाम के टाइम जाएंगे जेठानी जी, और हम आए हुए हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ आके, बहुत सुंदर लग रहा है। तो कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट्स में ज़रूर बताना। और बहुत अच्छा लगता है और सुबह सुबह का मौसम और यहाँ ना बहुत मज़ा आता है बहुत ज़्यादा। कहीं जाओ कहीं बैठो और बड़ा आनंद आता है। तो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाय।